हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश रीडर क्लास 8th का 5th लेसन, प्ले थिंग्स, खेलने की चीज़ें या वस्तुएं। ये एक पोएम है, इसके राइटर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। चलो शुरू करते हैं। चाइल्ड, बच्चे। हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट। डस्ट का मतलब धूल या मिट्टी। बच्चे, तुम कितने खुश हो मिट्टी में बैठे हुए। प्लेइंग विद अ ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग। ऑल द मॉर्निंग का मतलब सुबह से। ट्विग का मतलब होता है टहनी, जो पेड़ों से छोटी छोटी लकड़ियां टूट कर गिर जाती हैं, उनको टहनियां बोलते हैं। ब्रोकन का मतलब टूटी हुई। सुबह से टूटी हुई टहनियों से खेलते हुए। बच्चे, तुम कितने खुश हो मिट्टी में बैठे हुए, सुबह से टूटी टहनी से खेलते हुए। आई स्माइल एट योर प्ले विद दैट लिटिल बिट ऑफ अ ब्रोकन ट्विग। आई स्माइल का मतलब मैं मुस्कराता हूँ तुम्हें छोटी सी टूटी हुई टहनी से खेलता देख। ब्रोकन ट्विग का मतलब टूटी हुई टहनियाँ। तुम्हें छोटी सी टूटी हुई टहनी से खेलता देख मैं मुस्कराता हूँ। आई एम बिजी विद माई अकाउंट्स। मैं अपने लेखा जोखा में व्यस्त हूँ। बिजी का मतलब व्यस्त और अकाउंट्स का मतलब लेखा जोखा। मैं अपने लेखा जोखा में व्यस्त हूँ एडिंग अप फिगर्स बाय द आवर, संख्याओं को इस समय जोड़ने में। मैं अपने लेखा जोखा में व्यस्त हूँ संख्याओं को इस समय जोड़ने में। परहैप्स यू ग्लैंस एट मी एंड थिंक। परहैप्स का मतलब शायद। ग्लैंस का मतलब नज़र डालना या देखना। एट मी मुझ पर, एंड थिंक और सोचते हैं। शायद तुम मुझे देखते हो और सोचते हो। व्हाट अ स्टूपिड गेम। कितना बकवास खेल है। टू स्पॉइल योर मॉर्निंग विद। अपनी सुबह को ख़राब करने के लिए। स्पॉइल का मतलब ख़राब करना या नष्ट करना। अपनी सुबह को ख़राब करने के लिए कितना बकवास खेल है। चाइल्ड, बच्चे। आई हैव फॉरगॉटन। मैं भूल चुका था या मैं भूल चुका हूँ। द आर्ट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन स्टिक्स एंड मड पाइज। मड पाइज का मतलब होता है मिट्टी के टुकड़े या मिट्टी के ढेलों। एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है तल्लीन होना या मगन होना या खो जाना। बच्चे, मैं डंडियों और मिट्टी के ढेलों में खो जाने की कला भूल चुका हूँ। आई सीक आउट कॉस्टली प्लेथिंग्स। कॉस्टली का मतलब महंगा। प्लेथिंग्स का मतलब खेलने की वस्तुएं या चीज़ें। सीक का मतलब ढूंढना। मैं महंगी खेलने की वस्तुएं ढूंढता हूँ। एंड और गैदर लम्प्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। और सोने और चांदी के ढेरों को इकट्ठा करता हूँ। विद वाट एवर यू फाइंड। तुम जो भी ढूंढ कर निकालते हो। यू क्रिएट योर ग्लैड गेम्स। तुम उसके अपने खेल बना लेते हो। तुम जो भी ढूंढ कर निकालते हो तुम उसके अपने खेल बना लेते हो। आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ। मैं अपना समय और शक्ति उन वस्तुओं या चीज़ों पर खर्च करता हूँ। स्पेंड का मतलब खर्च करता या खर्च करना। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत या शक्ति, टाइम, समय। मैं अपना समय और शक्ति उन वस्तुओं या चीज़ों पर खर्च करता हूँ। ओवर थिंग्स आई नेवर कैन ऑब्टेन। जो मैं कभी प्राप्त नहीं कर सकता
या पा सकता, ऑप्टेन का मतलब प्राप्त करना, जो मैं कभी प्राप्त नहीं कर सकता या पा नहीं सकता। इन माय फ्रेल कैनू आई स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ डिज़ायर। इन माय फ्रेल कैनू, मैं अपनी हल्की छोटी नाव में, कनू का मतलब कमज़ोर नाव, हल्की नाव, छोटी नाव, मैं अपनी हल्की छोटी नाव में आई स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ डिज़ायर। मैं इच्छा के समुद्र को पार करने का संघर्ष करता हूँ। मैं अपनी कमज़ोर छोटी नाव में मैं इच्छा के समुद्र को पार करने का संघर्ष करता हूँ। एंड फॉरगॉट, और भूल जाता हूँ, दैट की आई टू एम प्लेइंग अ गेम, मैं भी एक खेल ही खेल रहा हूँ, और भूल जाता हूँ कि मैं भी एक खेल ही खेल रहा हूँ। बच्चों, आप इस पाठ को, इस लेसन को फिर से शुरू से लास्ट तक एक बार फिर से पढ़ना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।